नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर के वैकेंसी के बारे में और लैब टेक्नीशियन के वैकेंसी के बारे में। लैब टेक्नीशियन का 17 सीट है और नर्सिंग ऑफिसर का 56 सीट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये जो वैकेंसी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू में निकाला गया है। सबसे पहले यह आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड लैब टेक्नीशियन ऑन पुअरली अर्जेंट टेम्प्रोरी बेसिस PDU मेडिकल कॉलेज चूरू। इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर 1 में नर्सिंग ऑफिसर का, 1 में देखेंगे बेसिक क्वालिफिकेशन +2 पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और 2 में देखेंगे GNM या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तीसरी बात, आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग से। लैब टेक्नीशियन का देखेंगे टोटल 17 सीट है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और तीसरी बात रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसलिंग से। ये जो फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। अब देखें, आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है और इसके बाद उसका जो हार्ड कॉपी है उसे आपको भेजना है। कहाँ भेजना है तो यहाँ लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर PDU मेडिकल कॉलेज सिखावत कॉलोनी पिन कोड 33-1001 अप टू 15 जुलाई 2022, यानी कि 15 जुलाई 2022 को आपको यह फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, यानी कि उससे पहले। अगर इसके बाद जो आपका फॉर्म वहां पहुंच रहा है तो वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगी। हालांकि स्पीड पोस्ट 3 दिन में पहुंच ही जाता है। आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है, देखेंगे एप्लीकेशन विल हैव डिपॉजिट डिमांड, यानी कि DD आपको बनाना है। किसके फेवर में बनवाना है तो प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज चूरू, यानी कि 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना है, और SC ST के यानी कि 50 रुपये देना है। फेबुलेट यहाँ दिया हुआ है, फेबुलेट चूरू देंगे आप। यह है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन। यह फॉर्म अच्छे से आपको फिल करना है। ये जो देख रहे हैं चेक लिस्ट, यानी कि 1 से लेकर के 16 तक है, इसमें आपको ये से नो करना है। रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो मतलब कि आप एस लिखेंगे, और 10th का आप सर्टिफिकेट मार्कशीट दे रहे हैं तो एस लिखेंगे, जो आपके पास है एस करेंगे, जो नहीं है नो करेंगे। इस तरह से आपको फॉर्म यह अप्लाई करना है। ये बॉक्स आपको छोड़ देना है, ये आपको अप्लाई नहीं करना है, लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।